इस दुनिया में जितने प्रकार के लोग रहते हैं उतनी प्रकार की रिवाजें चली आ रही हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक लोग अपने धर्म का पालन करते हुए अपने अपने रीति रिवाज निभाते आ रहे हैं। लेकिन हमारे बीच रहने वाले किन्नरों की एक अलग प्रकार की अनोखी प्रथा है जो समाज से बिल्कुल ही अलग है। तो आज हम आपको बताएंगे किन्नरों के अंतिम संस्कार से जुड़ी ऐसी परंपरा के बारे में जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर मिश्रा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ए टू जे फैक्ट ऑफिशियल में। वैसे तो किन्नर समाज हमेशा से ही समाज से अलग रहकर अपनी जिंदगी को जीते हैं, लेकिन मरने के बाद भी ये लोग किन्नरों का अंतिम संस्कार आम लोगों से अलग करते हैं। किन्नर लोग रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति किन्नर का अंतिम संस्कार देख लेता है तो वो किन्नर फिर से किन्नर का ही जन्म लेता है। किन्नर के अंतिम संस्कार के पहले सभी किन्नर मरे हुए किन्नर की डेड बॉडी को जूते चप्पलों से पीटते हैं। किन्नर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उस जन्म में किए सारे पापों का प्रायश्चित हो सके और वो इंसान दोबारा किन्नर के रूप में जन्म न ले। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, वीडियो को जम के शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा लेना जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।